आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भीम ऐप से किसी भी बैंक अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ से भीम ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और इसके बाद इसको ओपन करेंगे। और इसके बाद यहाँ से जो है लैंग्वेज चूज कर लेंगे, आप जो है किस लैंग्वेज में इसको यूज करना चाह रहे हैं। और इसके बाद नीचे जाएंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे और इसको अलाउ कर देंगे। और इसके बाद यहाँ से सिम चूज कर लेंगे जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, और इसको प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे पासकोड इंटर कर लेंगे। और इसके बाद नीचे जाएंगे, प्रोफाइल, इसको क्लिक करेंगे। और इसके बाद बैंक अकाउंट में जाएंगे, यहाँ से जो है बैंक अकाउंट को लिंक कर लेंगे और यूपीआई पिन यहाँ से सेट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे प्लस आइकन, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से बैंक अपना चूज कर लेंगे। और इसको ओके कर लेंगे और इसको यस कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है सेट यूपीआई पिन, इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अपने कार्ड का 6 डिजिट यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे एक्सपायरी डेट इंटर करेंगे और इसको ओके कर लेंगे। और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और यहाँ पे सेट यूपीआई पिन यहाँ पे इंटर कर लेंगे। और यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे जो है ओटीपी जो है ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे सेट यूपीआई पिन है, यहाँ पे यूपीआई पिन इंटर कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी यूपीआई पिन आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है यूपीआई पिन जो है सेट हो गया है, तो हम चलेंगे यहाँ से बैक और इसके बाद यहाँ पे सेंड में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है सर्च और इंटर यूपीआई आईडी। अब जिसको पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसकी आप यूपीआई आईडी आपको मालूम है तो यहाँ पे इंटर कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। अगर यूपीआई आईडी सही है तो ये जो है वेरीफाई हो जाएगा और इसके बाद जो है आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है फेवरेट, यहाँ पे जो है आप जिसको अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड किए रहेंगे यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कांटेक्ट, आप जो है किसी को कांटेक्ट के थ्रू भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसको क्लिक करेंगे। और इसके बाद नीचे गिव परमिशन, इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ से जैसे परमिशन दे देंगे तो यहाँ पे जो है कांटेक्ट लिस्ट शो हो जाएगी और जिसको पैसे ट्रांसफ़र करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बट वो जो है ऑलरेडी यूपीआई पे अकाउंट बना रखा हो तभी आप जो है उसको पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड, इससे हम पैसे ट्रांसफ़र करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ से जो है बैंक अकाउंट चूज कर लेंगे जिसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है। और इसके बाद यहाँ पे जो है आईएफएससी कोड और यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम इंटर कर लेंगे जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर, और इसके बाद यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर, और इसके बाद नीचे जो है वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम इंटर कर लेते हैं और इसको वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अमाउंट इंटर कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे रिमार्क में आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे और इसको सेंड कर लेंगे।
और यहाँ पे जो है यूपीआई पिन इंटर करेंगे और इसके बाद इसको ओके कर लेंगे। और ये जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों ऐसे जो है आप भीम ऐप से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।